मैक्स कैसेट की तरफ से किस्सा पेश है सोरठ भाग नंबर 3। जिस वक्त खंगार राजा ने अपने भांजे बीजा को बुला के जो एक बहरियो बहरूपिये का भी रूप धारण कर लिया करता, उस तई बुला के और के कहन लग गया अपने दोस्त तस्बी के बारे में और सोरठ के बारे में। बोलिया रे बीजा जाके ला देने मेरे यार की बहू, राजा रोड ने खोस लई मेरे यार की बहू। लक्ष्मी चंद ने ठिकाने लाया, लक्ष्मी चंद
अरे भूल में धोखा, अरे भूल में धोखा खा गया थी होशियार की बहू। मामा की इतनी बात सुन के बीजा ने बोलिया, मामा मैं ये कला दे तेरे बांधदा की तो होनी के मुंह मंगा लेस तू मने। और के कहन लग गया अपने मामा खंगार ते हला मारोगे ओए कित राजा का राज भवन कित मामूली छोरा एक भाण जा से तेरे को मरवावण ने हो रहा धर तोरा
मैं सोरठ मिल की होगी अपने जोड़ की बीजा अपनी मामी के महल में चला गया। उसकी मामी भी बीजा दे सोर्ट के ल्याण खातर कहन लगी, क्योंकि उसकी मामी ने भी सुन रखा था कि सोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। तन्यू बोली बीजा तई कि भाणजे राजा ल्या दे तू, एक बार मैं भी देखना चाहूं तू तुम्हें। और बीजा की मामी ये कहन लगी भला सोर्ट के बारे में, न्यू बोली ल्या दे पिता सो रठ रानी वे सो रठ रानी मैं बीत दे कितनी सचा कर कितनी
अकल की शानी, ओए अकल की शानी, कितने देने की सयो मर जवान। रंग भर जाने से भर देने, रंग भर जाने से भर देने, कर देने पूरी अपने मामा की बाणी, अरे मामा की बाणी, नाते वो अपनी हो जाएगा जान। सुकरम कहला जाते दया तेरे हर देह में पा जाते, दया तेरे हर देह में पा जाते, आ जाते घर में सोरठ कुछ भी नहाई, अरे कुछ भी नहाई, इसमें रे तेरा के नोट जान दे, लादे नबी सा सोरे तरानी, सोरे तरानी, मैं दिल पे देखूं उसकी शान दे। लखनी चंद काठिया जड़ जा, तू यो काम करण पे अड़ जा, तू यो काम करण पे अड़ जा, बेशक पड़ जा तने व्यपता ठाणी, ओए व्यपता ठाणी, इस वार से मिला तने वरदान हे, यादे नमीता सोरह तरानी, मैं देख देखूं उसकी शान। तो अपनी मामी की इतनी बात सुनके बीजा अपनी मामी ते समझान लग गया कि मामी उड़े बहुत तगड़ा पहरा से, राजा रोड कोई मामूली हस्ती नहीं से, असली हाई चीज से हो, क्यों खाम खाई सी जगह भेजो सो। और अपनी मामी ते ही एक बात के द्वारा किए कहने लग गया, भला क्यों करती मैं जा किस ढाल मामी, मैं जा किस ढाल मामी, मन डर लागे से भारी, मन डर लागे से भारी,
दूसरी कली में हाथ जोड़ के अपनी मामी ते वीजा की करने लग गया भला भाई रे मारा गाड़ी से हटा दे दूर आप पर देने मृत्युज पे हाथ धर देने हटा दे दूर पर आप पर देने सर पे हाथ मेरे धर देने कर देने कर देने ताल मानी कर देने ताल मानी मैं करूं को सामंद थारी मैं करूं को सामंद थारी मैं जाए किस ताल मानी मैं जाए किस ताल मानी मन डर लागे से भारी मन डर लागे से भारी मैं जाए किस ताल मानी की मामी वीजा की एक नहीं सुनती और कहती है कि सोल्ड चाहे किसी तरिया भी हो वो तने लेनी पड़ेगी।
ई बीजा अपनी मामी दे कहन लाग्या कि मामी मैं भेष बदल के तेरे धोरा आऊंगा, जब तने मैं पहचानते लिया तो मैं सोर्ट न नहीं ला सकता थे, और जब नहीं पहचाना तो सोर्ट न जरूर लाऊंगा। इतनी बात कह के बीजा वहां से चला गया, और दो चार दिन के पाछे सपेलेगा भेष बना के अपनी भाभी के महर के आग आके बीन बजाने लग गया। उसकी मामी बीजा को पहचानती नहीं, और उस सपेले की बीन सुनके और उसका चाल ढाल उसका रूप देख के उसकी मामी ने ये पता नहीं लग गया कि धरा भांडा बीजा है। उसके बीन के लहरे में आके और उसके ऊपर आशक होगी, आशक हो गए और के कहने लगी भला ये रूप देख के न्यू मन खिल गया, ये रूप देख के न्यू मन खिल गया, जणू तेल घाल दिया बाती में, तेरी बीन का तार सपेले खटके से मेरी छाती में, मेरी छाती में।
पई जनी कमरे के मैं लगी ओ चट्टी आम देव की के दतनी कमरे के मैं मेरी बोली बोलन त बंद पानी होली ओड बनी कमरे के
अब पहचान में नहीं आया सपेले के भेष में। बीजा तो एक बात के द्वारा उस सपेले के भेष में ये कहने लग गया भला, हरी हम डेरे आड़े से, हरी हम डेरे आड़े से, तेरा दुख पावे गागात नहीं सुख तेरे यार। Yeah.
दुख में प्यार टूट जाते, लक्ष्मी चंद मुसीबत के में घर बार छूट जाते, आज डेरा लाया तड़के पीली पाटे उठ जाते, आज डेरा लाया तड़के पीली पाटे उठ जाते। हम रैन बसेरे आड़े से बीजा की इतनी बात सुनकर भी रानी नहीं मानती तो बीजा सपेले का भेष उतार के अपना असली रूप दिखाता है। बीजा की मामी यह देख कर हैरान रह जाती है। बीजा कहता है कि मामी ईब में सोर न जरूर ले जाऊंगा, मेरे को आशीर्वाद दे। वहां से आशीर्वाद लेकर और चल देता है बीजा सोरठ को छुटाने के लिए। जब खटका नगरी के पास पहुंचा तो जाके एक बुढ़िया दबू जन लग गया कि बुढ़िया मन राजा का महल बता दे। बुढ़िया ने मना कर दिया कि क्यों। बुढ़िया कहने लगी कि आज एक सोरठ नाम की बहुत सुंदर औरत है जिसने वो अपनी रानी बनाओगा, वहां पे बहुत सख्त पैरे हैं, मैं नहीं बता सकती। लेकिन कहने लगा कि तू एक बार उसके महल के नए बस अंगड़ी का इशारा कर दिए। बुढ़िया मान जाती है, अंगड़ी का इशारा कर दिया तो वहां पे भी सपेले का भेष करके और उसकी सब आगे अंदर जहां पे जश्न मनाया जा रहा था जाके बीन बजाई। बीन बहुत ही अच्छी बजाई, राजा बहुत खुश होया और खुश होकर कहने लगा भाई मांग सपेले के मांगे। तो सपेले ने तीन वचन भरवा के रियारी का हाथ बढ़वा के रात ने खूब अच्छे त्रिया नशे में भक्त करके तो घेर देता राजा रोड को और अपने आप सोरठ के पास जाके कहता है कि सोरठ तू जल्दी चल, मैं तेरे को लेने के लिए आया हूं। तो सोरठ ने उसका हाल पूछ जाके तू कौन है, मैं तेरे साथ कैसे चलूं, अपना पूरा ब्यौरा दे। तो के कहने लगा भला बीत जा पूरे अरे सुन की जाइए बात बता दूं सारी रेल सुन की जाइए बात बता दूं सारी रेल सुन की जाइए बात बता दूं
दुख में प्राण घबराए, जैसल दे एक रूप करके फिर देव पण में आए, आपस के मैं मेल जोल करके बड़े सुख पाए, आपस के मैं मेल जोल करके बड़े सुख पाए, घड़ी साथ ठहरे को ना पण से फिर चले गए, करके न हुए अपने दिल का दूर अंधेर चले गए, गंधर्व विवाह करके दोनों जैसलमेर चले गए, तेरी माता महारानी बन गई, तेरी माता महारानी बन गई, जैसल दे की प्यारी सारे हाल बताए गए, छोटी बड़ी जन्म होया सारे हाल बताए गए, तेरे पिता ने तेरे कर का एकदम इंतजाम करया, जल्लादों के सुपुर्द कर दी हृदय नाम लाम करया, जल्लादों ने सोच के ने कितना अच्छा काम करया, जल्लादों ने सोच के ने कितना अच्छा काम करया, जीवती ने गए गेर खड़िया में, जीवती ने जारी रे ले।
राजा रोड़ आशिक हो गया तेरे पति ते प्रेम बढ़ाया धोखेबाज लौंगाड़े ने ऐसा छलका चाल फलाया धोखेबाज लौंगाड़े ने ऐसा छलका चाल फलाया दावत का बहाना करके अपने घर बुलाए सारे चूल्हा नोत नोता दे गए राजी कर दिए सब पण सारे राज महल में राख ली तू पण सारा के धक्के मारे राज महल कैसे खरीदें तो मैक्स कैसेट कंपनी की ही खरीदें कैसेट के ऊपर MAX मार्का जरूर देख लें धन्यवाद।